हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आपका आरएस कैरियर इंस्टीट्यूट लाइफ साइंस में आपका स्वागत है। तो अपनी जो है सेल बायोलॉजी यूनिट वो चल रही थी, तो इसमें अपन आगे बात करते हैं कि आज अपना जो टॉपिक है वो नर्व इम्पल्स। क्या नाम है? नर्व इम्पल्स। तो देखो, इसमें जो अपने जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो आपको पता है न्यूरॉन्स है जो अपने पूरे जो सेंसरी सिस्टम है उसमें काम आता है, तो उसमें अपन आज क्या पढ़ेंगे? रिसीव, कंडक्ट और ट्रांसमिट। ये बस नहीं, मतलब कोई चीज़ सिग्नल है वो रिसीव होगा, फिर उसका अपन कंडक्ट करेंगे, वो न्यूरॉन से क्रॉस होगा और उसके बाद क्या होगा, अगले न्यूरॉन के पास जाएगा, ट्रांसमिट होगा। इसके बाद देखो यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे नाम लिख रखा है निसल्स ग्रेन्यूल, तो ये भी नेट में पूछा हुआ कि निसल्स ग्रेन्यूल होते क्या हैं। एक्चुअली में निसल्स ग्रेन्यूल क्या है कि पहले अच्छे माइक्रोस्कोप नहीं थे, पहले अच्छे माइक्रोस्कोप नहीं थे तो अपन को ये पता नहीं था कि निसल्स ग्रेन्यूल होते क्या हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब अच्छे माइक्रोस्कोप आ गए तो ये कुछ नहीं था, ये कहाँ मिले, कहाँ देखने को मिला? एक्टिव न्यूरॉन्स के अंदर। तो वहाँ पे क्या था, एक एमआरएनए था, उस पर बहुत सारे क्या थे, राइबोसोम बाइंड थे। ये बात नहीं, राइबोसोम बाइंड थे मतलब बहुत सारी प्रोटीन बन रही थी, या बहुत सारे राइबोसोम बाइंड होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पॉलीसोम वाली कंडीशन। तो पॉलीसोम वाली कंडीशन देखने को मिली। तो निसल्स ग्रेन्यूल कुछ नहीं है, बस एक एमआरएनए है, उस पर क्या है, बहुत सारे राइबोसोम बाइंड है। तो देखो यहाँ पे जो प्रोटीन सिंथेसिस है, मतलब जो प्रोटीन बनने की जो साइट है सेल के अंदर वो कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, और साइटोप्लाज्म में भी कहाँ पे होती है, ईआर के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। अब देखो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, देखो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, लेकिन इसमें तीन काम होंगे। पहले तो न्यूरॉन लेगा रिसीव, फिर इसको कंडक्ट करेगा, और फिर उसके बाद अगले न्यूरॉन के पास भेजेगा या ट्रांसमिट। ये बात समझ आ गई? तो देखो जो न्यूरॉन है, ये मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, पहला न्यूरॉन, और यहाँ से दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो जो न्यूरॉन है उसका यहाँ पे होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। इस वाले रीजन को बोलते हैं हेड, सोमा या बॉडी। जो ये बाहर निकले हुए, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स, जो क्या करते हैं, सिग्नल को रिसीव करते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट है उसको बोलते हैं एक्सोन हिलोक। क्या बोलते हैं? एक्सोन हिलोक। यहाँ पे क्या होता है कि जो बीच बीच में ये बाइंड है, इनको बोलते हैं माइलिन सीथ, और यहाँ पे कौन से, स्वान सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स? स्वान सेल। इतना से लेके इतने रीजन को क्या बोलते हैं? एक्सोन। फिर इसके बाद देखो कि जो ये बीच में है, दो माइलिन सीथ के बीच में, इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। ये जो अपना पहला न्यूरॉन है, इसके जो ये लास्ट वाले पॉइंट्स हैं, इनको बोलते हैं टीलो डेंड्रिया, और इन पे जो कॉर्नर वाले हैं उनको बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। सिनेप्टिक नोब में क्या होगा, अपना केमिकल होगा, मतलब न्यूरो ट्रांसमीटर होगा जो बाहर निकलता है और अगले सेल के पास जाता है। और इस बीच वाले जो दोनों आपस में जहाँ से ये बाइंड से लग रहे हैं, बीच में जो स्पेस है उसको बोलते हैं केमिकल। ये केमिकल वाले भी हो सकते हैं, मतलब कोई केमिकल ये सीक्रेट करे, न्यूरो ट्रांसमीटर वो इसको एक्सेप्ट करे, लिगेंड एज ए लिगेंड। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या हो गया कि एकदम इलेक्ट्रिकली एकदम फास्ट लें, ये क्या है, जंक्शन, दोनों का मिलने की जगह उसको बोलते हैं जंक्शन। ये जो पहले वाला न्यूरोन है इसकी जो है, इसको बोलते हैं यहाँ पे प्री सिनेप्टिक न्यूरोन। मतलब ये कौन सी मेम्ब्रेन होगी, प्री सिनेप्टिक, मतलब पहले वाले न्यूरोन की मेम्ब्रेन, प्री सिनेप्टिक न्यूरोन। ये जो नया दूसरा वाला न्यूरोन है उसको बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोन। अब देखो यहाँ पे वो, यहाँ पे चैनल की बात करेंगे, तो कौन कौन से चैनल होते हैं वो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले काम करेगा लिगेंड गेटेड एन प्लस चैनल, मतलब कोई लिगेंड बाइंड किया, कोई लिगेंड बाइंड किया तो एन प्लस चैनल क्या हो जाएंगे, ओपन। फिर इसके बाद काम करेंगे वोल्टेज गेटेड एन प्लस चैनल, मतलब वोल्टेज में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, तो उसकी वजह से एन प्लस चैनल क्या हो जाएंगे, ओपन। फिर तीसरे कौन से हैं यहाँ पे, यहाँ पे जो अपने तीसरे है वो है वोल्टेज गेटेड के प्लस चैनल, मतलब वोल्टेज की वजह से कौन से चैनल, पोटेशियम या के प्लस वाले चैनल ओपन हो जाएंगे। फिर फोर्थ है अपने पास वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, वोल्टेज की वजह से कैल्शियम चैनल क्या हो जाएंगे, ओपन। ये बात में आई? तो ये सब आपको सीक्वेंस ऐसे याद रखना है कि पहले लिगेंड गेटेड एन ए प्लस चैनल, वोल्टेज गेटेड एन ए प्लस चैनल, फिर वोल्टेज गेटेड के प्लस चैनल, फिर वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। इतनी बात में आई? अब ये काम कैसे करता है, तो उससे पहले अपन बात करते हैं कि जो अपना वोल्टेज गेटेड एन ए प्लस चैनल है उसके तीन कन्फर्मेशन है। यहाँ ऊपर लिखा है वोल्टेज गेटेड एन ए प्लस चैनल, उसके तीन कन्फर्मेशन है, वो तीन फॉर्म में मिल सकते हैं। एक तो क्या हो, क्लोज हो और एक्टिवेटेड हो, मतलब बंद है, और एक्टिवेटेड का मतलब अपन उसको चालू कर सकते हैं, मतलब वोल्टेज चेंज हो गई मान लो, तो जो एन ए प्लस वाले चैनल है वो क्या हो जाएंगे, ओपन। और एन ए प्लस कहाँ ज़्यादा होते हैं, बाहर, तो एन ए प्लस बाहर ज़्यादा होते हैं, तो कहाँ आएंगे, अंदर, क्योंकि ये क्या है, चैनल हाई टू लो, तो एन ए प्लस कहाँ आने लग जाएंगे, अंदर। ओपन का मतलब क्या है, कोई लिगेंड, मतलब जो वोल्टेज है उसमें चेंज आया तो उसकी वजह से चैनल क्या हो जाए, ओपन। दो कन्फर्मेशन हो गए। तीसरा क्या होता है, क्लोज और इनएक्टिवेटेड, मतलब ये बंद है और अब कैसा हो गया, इनएक्टिवेटेड हो गया, मतलब अब अपन वोल्टेज चेंज करेंगे तो भी ये कैसा रहेगा, क्लोज, मतलब ओपन नहीं होगा। फिर इसके बाद बात करते हैं वोल्टेज गेटेड के प्लस चैनल या
पोटेशियम चैनल। तो इसके दो कन्फर्मेशन है, एक तो है क्लोज बंद है और एक्टिवेटेड। एक्टिवेटेड का मतलब अगर वोल्टेज चेंज हो गया तो के प्लस चैनल क्या हो जाएंगे, ओपन। एक है ओपन, ये बस में दो कन्फर्मेशन मिलेंगे। इसके बाद देखो जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोन है, मतलब जो दूसरे वाला न्यूरोन था उसकी जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोन है, उसके पास दो टाइप के रिसेप्टर मिलते हैं। क्या मिलते हैं? रिसेप्टर मिलते हैं जिन पे कौन आके बाइंड करता है, लिगेंड या न्यूरो ट्रांसमीटर। तो उन पे कौन बाइंड करेगा? न्यूरो ट्रांसमीटर। एक तो होता है आयनोट्रोपिक रिसेप्टर। देखो आयनोट्रोपिक रिसेप्टर का मतलब है कि जो चैनल है वही किसकी तरह काम करे, रिसेप्टर की तरह काम करे। जैसे मान लो ये चैनल क्लोज है, बाद में क्या हो गया, ओपन। तो ये एक टाइप से किसी तरह काम कर सकता है, यहाँ पे जैसे ही बाइंड किया इस पे न्यूरो ट्रांसमीटर, तो ये जो चैनल है वही किसकी तरह काम कर रहा है, रिसेप्टर की तरह काम कर रहा है। इसको बोलते हैं आइनोट्रोपिक रिसेप्टर। फिर इसके बाद है मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर। मतलब इसमें क्या है, रिसेप्टर अलग होता है और चैनल अलग होता है। इसमें एक इंटरमीडिएट बीच कोई प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें क्या होती है, एक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, इंटरमीडिएट प्रोटीन की। तो मान लो ये क्या है, रिसेप्टर है। फिर रिसेप्टर पे कोई मान लो न्यूरो ट्रांसमीटर बाइंड किया, फिर कोई जी प्रोटीन बनी और वो जाके इस चैनल पे क्या हुई, बाइंड, और चैनल क्या हो गया, ओपन। तो ये मेटाबोट्रोपिक कैसे काम करता है। फिर इसके बाद देखो कि अपना जो है नर्व इम्पल्स वो जाता कैसे। तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि जो लिगेंड गेटेड एन ए प्लस चैनल है उन पर एन ए प्लस आके बाइंड गया और चैनल क्या हो गए, ओपन। तो देखो पहले जो सेल का है, जो न्यूरोन का अंदर का है, वो -70 mV रेस्टिंग फेज में है। तो अब ये एन ए प्लस अंदर आया तो ये प्लस और माइनस न्यूट्रल हो जाएंगे, मतलब इससे माइनस चार्ज क्या हो जाएगा, कम। ये बात सुनाई? तो माइनस चार्ज कम हो गया तो ये हो गया मान लो -55 mV। ये जो इतनी वोल्टेज है वो जो है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू है किसके लिए, वोल्टेज गेटेड एन ए प्लस चैनल के लिए। तो इससे क्या होगा, वोल्टेज गेटेड एन ए प्लस चैनल ओपन हो जाएंगे और तेज़ी से एन ए प्लस अंदर आएंगे, तेज़ी से एन ए प्लस अंदर आएंगे। तो जो -55 mV है वो और भी कम हो जाएगा, कितना चला जाएगा, +20 mV। ये बात है, जहाँ भी एन ए प्लस है वहाँ कितना हो जाएगा, +20 mV। इसी को क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। मतलब -70 से +20 की ओर जाने को बोलते हैं डीपोलराइजेशन। और देखो जो सिग्नल है वो क्या होता है, वो ऐसे पास करता है, मतलब जंपिंग मैनर में। तो इसको बोलते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। ये साल्टेटरी कंडक्शन मेलिन शीथ की वजह से हुआ था और ये बहुत फास्ट कंडक्शन होता है। आपको क्या याद रखना है, साल्टेटरी कंडक्शन क्या होता है, बहुत फास्ट कंडक्शन होता है। इसके बाद देखो यहाँ क्या है कि जो अपने ये जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल है, इनकी भी आगे बात करेंगे, ये बात में आगे। तो ये जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल है वो बाद में ओपन हो जाते हैं, तो इससे क्या होगा, कैल्शियम अंदर आएगा, चैनल है इसलिए हाई टू लो, तो कैल्शियम अंदर आएगा। जैसे ही कैल्शियम आएगा तो कैल्शियम का काम याद रखना है एग्जोसाइटोसिस, मतलब कोई चीज़ अंदर पैक है उसको बाहर रिलीज कराना। तो यहाँ पे क्या होते हैं कि कुछ वेसाइकल होते हैं जिसके अंदर क्या भरा होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर। और न्यूरो ट्रांसमीटर का फेमस नाम आता है एसिटिल कोलिन। एसिटिलकोलिन है वो क्या है, एक्साइटेटरी भी हो सकता है और इनहिबिटरी, दोनों टाइप का है। तो ये क्या करता है, ये जो कैल्शियम है वो इसको बाहर रिलीज़ करा देगा, कहाँ पे, ये जो अपना सिनेप्स है इसको बोलते हैं सिनेप्स। तो इसमें रिलीज़ करा दिया और आगे वाला जो न्यूरोन है वो इसको एज ए लिगेंड एक्सेप्ट करेगा। ये तो डीपोलराइजेशन हो गया। अब मान लो देखो डीपोलराइजेशन के बाद क्या होते हैं, कौन से चैनल ओपन हो जाते हैं, वोल्टेज गेटेड के प्लस चैनल। ये बात नहीं? तो वोल्टेज गेटेड के प्लस चैनल ओपन हो जाते हैं +20 mV पे। तो इससे देखो ये चैनल है तो ये भी हाई टू लो, तो के प्लस कहाँ ज़्यादा होता है, अंदर ज़्यादा होता है, तो ये अंदर से बाहर आएंगे के प्लस। अब प्लस चार्ज बाहर ज़्यादा जा रहे हैं तो अब क्या होगा, माइनस चार्ज अंदर बढ़ेगा। तो ये +20 से वापस -55, -70 और -90 mV तक चला जाता है। इसको बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। मतलब +20 से -90 की ओर जाने को बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। और फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, वहाँ पे और भी होते हैं आयन बैलेंसिंग के लिए, एन ए प्लस के प्लस पंप और लीकी के प्लस चैनल। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये -90 mV वापस हो जाएगा -70 mV। इसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन या आयन बैलेंसिंग। इतना बस मैं, ये पूरी आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद है देखो काम कैसे करता है। ये मान लो ग्राफ है, यहाँ पे -70 mV है, ऊपर क्या है, ये ऊपर माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है और नीचे माइनस बढ़ रहा है। तो इस सबसे पहले क्या होता है, रेस्टिंग फेज होता है, या वहाँ पे कौन होते हैं, लिगेंड गेटेड एन ए प्लस चैनल। ये बस मैं, ये ओपन हुए, जैसे ही ओपन हुए तो ये -55 पहुंच गया। अब कौन ओपन हो जाएंगे, वोल्टेज गेटेड एन ए प्लस चैनल। तो अब ये चला जाता है +20 mV तक। इसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। फिर इसके बाद क्या होता है, ये +20 mV के बाद ये जो वोल्टेज गेटेड के प्लस चैनल है वो ओपन हो जाते हैं। इसे के प्लस कहाँ जाएगा, बाहर। तो प्लस बाहर जा रहा है तो अंदर क्या बढ़ेगा, माइनस। तो ये चला जाता है -90 mV तक। इसको बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन।
फिर देखो -90 थोड़ी रखना है, सेल को अगर अच्छे से काम करना है तो अपनी जो रेस्टिंग फेज है उसमें रहना पड़ेगा, तो वो कितनी होती है -70 मिली वोल्ट। तो देखो जो -70 मिली वोल्ट है उसमें आने के लिए वहाँ पे कौन काम करता है, एन ए प्लस के प्लस पंप या के प्लस लीकी चैनल। के प्लस लीकी चैनल क्या होते हैं, जो हमेशा ओपन रहते हैं ये बस भाई, तो इससे के प्लस कहाँ जाते रहेंगे, बाहर जाते रहेंगे। और जो एन ए प्लस के प्लस पंप है उसमें क्या होता है, 3 Na+ बाहर जाते हैं, 2 K+ अंदर आते हैं, क्योंकि अभी अपन ने के प्लस को बाहर भेजा था तो उसको अंदर लाएंगे तभी तो क्या होगा, आयन बैलेंस। तो ये आयन बैलेंसिंग बोल दो या रीपोलराइजेशन बोल दो, तो ये आपको पूरा ग्राफ याद होना चाहिए, ये नेट में पूछा हुआ है। तो इसके बाद देखो आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे रेस्टिंग फेज होता है, फिर डीपोलराइजेशन होगा, फिर हाइपर पोलराइजेशन, और फिर आयन बैलेंसिंग या रीपोलराइजेशन। और चैनल की बात करें तो सबसे पहले लिगेंड गेटेड Na+ चैनल, फिर वोल्टेज गेटेड Na+ चैनल, फिर वोल्टेज गेटेड K+ चैनल, और लास्ट में Na+ K+ पंप या K+ लीकी चैनल। अब देखो जो सिग्नल है वो ये प्री सिनेप्टिक जो न्यूरोन है पहले वाला, उस आगे वाले न्यूरोन है पोस्ट, इनके बीच में सिग्नल चलता है। तो उसमें न्यूरो ट्रांसमीटर की बात करते हैं जिसका नाम क्या है, एसिटिल कोलिन। तो देखो जो एसिटिल कोलिन है उसके भी दो टाइप के रिसेप्टर है, एक है तो है निकोटिनिक, एक है मस्करिनिक। देखो निकोटिनिक में क्या होता है, निकोटिनिक रिसेप्टर में आइनोट्रोपिक टाइप रिसेप्टर होता है, मतलब जो चैनल होता है वही रिसेप्टर की तरह काम करता है, मतलब ये किस टाइप का, एक्साइटेटरी टाइप का सिग्नल है, मतलब ये आगे सिग्नल पास करेगा। और इसमें सेल पहले कैसे होगी, डीपोलराइज होगी, मतलब +20 mV तक जाएगी। फिर उसके बाद एक और रिसेप्टर है मस्करिनिक रिसेप्टर, इसमें क्या होते हैं, इसमें जो रिसेप्टर होते हैं मेटाबोट्रोपिक, मतलब रिसेप्टर और चैनल अलग अलग होते हैं, फिर वो जी प्रोटीन बनाती है जो चैनल को ओपन कराती है। मतलब ये कैसे हैं, मेटाबोट्रोपिक टाइप रिसेप्टर इनहिबिटरी टाइप है, मतलब ये सिग्नल को आगे पास नहीं होने देंगे। तो इसमें सेल सबसे पहले क्या होगी, हाइपर पोलराइज होगी, मतलब -90 mV तक जाएगी। इसके बाद देखो दो नाम है EPSP, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, मतलब जो सिग्नल को आगे पास कराए वो कौन कौन कराते हैं, ग्लूटामेट जिसको डी से लिखते हैं, ई से लिखते हैं, और एस्पार्टेट जिसको डी से लिखते हैं। तो ये क्या है, ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर क्या कराते हैं, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा एक IPSP, इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, मतलब जो आगे सिग्नल को पास नहीं होने दे, उसमें नाम आता है ग्लाइसिन और गाबा। ग्लाइसिन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर, दोनों न्यूरोट्रांसमीटर है, लेकिन आपको याद के रखना है गाबा अमाइनो एसिड नहीं है, GAA अमाइनो एसिड नहीं है, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखना है गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड, ये भी नेट में पूछी हुई है। तो इनहिबिटरी में दो है ग्लाइसिन और गाबा, ये इंपॉर्टेंट है, ये नेट में पूछा हुआ है। इसके बाद बात करते हैं देखो रिफ्रैक्टरी पीरियड। देखो रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है कि जब मान लो कोई नर्व सेल है वो सिग्नल कंडक्ट कर रही है, तो उस समय कोई दूसरा सिग्नल हुआ ना वो रिसीव नहीं करेगी, मतलब एक सिग्नल चल रहा है तो वो दूसरे सिग्नल को रिसीव नहीं करता, तो उस टाइम को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब ये रिफ्रैक्टरी पीरियड दो टाइप का है, ARP और RRP। ARP क्या होता है, एब्सोल्यूटली रिफ्रैक्टरी पीरियड, और RRP क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो देखो जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड है उसमें क्या होता है कि मान लो कोई सिग्नल चल रहा है ना तो कोई दूसरा सिग्नल आया, वो चाहे उसके बराबर का हो, चाहे उससे कम हो, चाहे उससे ज़्यादा हो, मतलब उससे ज़्यादा पोटेंशियल का हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो कंडक्ट नहीं होगा, मतलब एक सिग्नल चल रहा है तो वही कंडक्ट होगा, दूसरा चाहे कम हो, चाहे बराबर हो, चाहे ज़्यादा नहीं कंडक्ट होगा, चाहे दूसरे सिग्नल की वैल्यू ज़्यादा हो तो भी कंडक्ट नहीं होगा, किसमें, ARP में। RRP में क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड में अगर एक सिग्नल चल रहा है ना और दूसरा सिग्नल आया, वो जो दूसरा सिग्नल है वो ज़्यादा स्टिमुलस, ज़्यादा पोटेंशियल का है, तो वो उसको रिसीव कर लेगा। ये दोनों आपको समझ आ गया। तो ARP क्या है, ये सिग्नल रिसीव नहीं करेगा कोई भी कंडीशन में, और जो RRP है वो सिग्नल रिसीव कर सकता है अगर जो दूसरा सिग्नल है वो उसका जो स्टिमुलस है वो क्या हो, ज़्यादा हो पहले वाले से। इसके बाद क्या है कि ये जैसे अपना था लिगेंड गेटेड Na+ चैनल, यहाँ वोल्टेज गेटेड Na+ चैनल काम करे थे, फिर वोल्टेज गेटेड K+ चैनल काम करे थे, फिर Na+ K+ पंप काम करे थे। तो जो ये वोल्टेज गेटेड Na+ चैनल है वो यहाँ से लेके यहाँ तक कौन होता है, ARP, क्या होता है, ARP, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज गेटेड Na+ क्या हो जाते हैं, क्लोज तो हो ही जाते हैं और इनएक्टिव हो जाते हैं, मतलब अब वोल्टेज चेंज करने पे भी ये चालू नहीं होंगे। फिर इसके बाद देखो यहाँ से लेके यहाँ तक होता है ये RRP, मतलब अगर वोल्टेज गेटेड K+ चैनल वाले केस में यहाँ पे देखो इतने से लेके RRP होता है, मतलब अगर इससे स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस आया तो ये सिग्नल रिसीव कर लेगा, ये ग्राफ भी पूछा हुआ है 4 नंबर के अंदर। इसके बाद देखो कि जो ऑल और नन प्रिंसिपल लिख रखा है यहाँ पे नर्व सेल के अंदर, कि जो मैक्सिमम जो न्यूरॉन्स है वो ऑल और नन प्रिंसिपल को काम करते हैं,
मतलब या तो सिग्नल ट्रांसमिट होगा आगे या सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होगा। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है कि कुछ न्यूरोन है वो ग्रेडेड पोटेंशियल पर भी काम करते हैं। मतलब क्या होता है कि कम कम है सिग्नल या वो स्टिमुलस तो नहीं करेगा, ज़्यादा स्टिमुलस तो काम करेगा। पर आपको ऑल और नन प्रिंसिपल याद है रखना है। अब मान लो अपन को सिग्नल को क्या हो, रोकना हो, सिग्नल ट्रांसमिशन को रोकना हो। तो देखो यहाँ पे देखो, जो प्री सिनेप्टिक है पहले वाले न्यूरॉन की जो लास्ट मेम्ब्रेन है, यहाँ पे एसिटिल कोलिन था, वो यहाँ पे आगे वाले मान लो लिगेंड जाके बाइंड करेगा रिसेप्टर पे। तो अब यहाँ पे इस जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है इस पर मिलता है एसिटिल कोलिन एस्टरेज, मतलब जो एसिटिल कोलिन को क्या करे, डिग्रेड एंजाइम मिलता है एसिटिल कोलिन एस्टरेज, जो क्या करता है एसिटिल कोलिन को जैसे ही सिग्नल पास हो गया वो डिग्रेड कर देता है एसिटिल कोलिन को एसिटाइल को एंजाइम ए और कोलिन में। इनको कौन रीअब्जॉर्व कर लेगा, जो प्री सिनेप्टिक सिग्नल मेम्ब्रेन है पहले वाले का, तो वो एब्जॉर्व रीअब्जॉर्व कर लेगा और सिग्नल क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ये बात ना कि ऐसे सिग्नल रुक जाता है। फिर इसके बाद क्या है, कुछ केमिकल होते हैं मेलाथायोन, पैराथायोन और सेरीन। सेरीन क्या होती है, नर्व गैस। ये तीनों नाम याद रखने हैं, ये नेट में बहुत बार पूछे हुए हैं। तो ये क्या करता है, इस एसिटिल कोलिन एस्टरेज को ब्लॉक कर देते हैं ये बस में। अब यही ब्लॉक हो गया तो बताओ कोई इस एसिटिल कोलिन को डिग्रेड करेगा क्या, नहीं करेगा। तो अब सिग्नल क्या होगा, चलता रहेगा, सिग्नल चलता ही रहेगा। ये बस में आगे ये भी नेट में पूछा हुआ है। फिर इसके बाद है कि प्री सिनेप्टिक न्यूरोन से क्या रिलीज होता है, एसिटिल कोलिन। जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोन है आगे वाले का, उसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वहाँ जाके बाइंड करता है, जिसके बाद क्या होता है एसिटिल कोलिन एस्टरेज एंजाइम होता है पोस्ट सिनेप्टिक के पास, वो क्या करता है इसको एसिटिल को एंजाइम में और कोलिन में डिग्रेड कर देता है। फिर इन दोनों को कौन रीअब्जॉर्व कर लेता है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन पहले वाले न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है वो इसको रीअब्जॉर्व कर लेती है। लेकिन जो मेलाथायोन पैराथायोन और सेरीन है नर्व गैस, वो क्या करते हैं इस एसिटिल कोलिन एस्टरेज को ब्लॉक करते हैं और इससे क्या होगा, सिग्नल चलता ही रहेगा। ये बात में आई, सिग्नलिंग चलती रहेगी क्योंकि अब एसिटिल कोलिन को डिग्रेड करने वाला कोई नहीं है। ये बात समझ आई, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि एसिटिल कोलिन लिगेंड एज ए बाइंड हुआ तो सिग्नल चलेगा। अब देखो यहाँ पे नाम लिखा है एट्रोपा बेलाडोना, या हिंदी में बोले इसको धतूरा। ये क्या है, मस्कुरिनिक रिसेप्टर है, मतलब जो इनिबिट करने वाला है उसका एंटागोनिस्ट है। ये बात समझ आई, मतलब ये किस पे बाइंड करेगा, मस्कुरिनिक रिसेप्टर पे। तो इससे क्या होगा, देखो मस्कुरिनिक रिसेप्टर पे बाइंड कर गया तो मस्कुरिनिक रिसेप्टर का काम था इनिबिट करने का, अब उसका एंटागोनिस्ट है मतलब उसको काम नहीं करने देगा मस्कुरिनिक को। ये बात समझ, तो ये काम नहीं करने देगा तो सिग्नल इनिबिट ही नहीं होगा, तो सिग्नल चलता रहेगा। तो दो नाम होते हैं जैसे एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, होते क्या हैं, एगोनिस्ट का मतलब एनालॉग, उसके जैसा ही होता है और उसका फंक्शन भी सेम होता है। एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, दिखने में सेम होता है एनालॉग लेकिन काम नहीं करने देता। ये बस एनालॉग एंड बट नॉन फंक्शनल। इसके बाद देखो यहाँ पे कुछ ड्रग्स दे रखे हैं, वो जितने भी ड्रग्स हैं वो सीएसआईआर नेट के अंदर बहुत ज़रूरी है। तो देखो नर्व इम्पल्स है उसकी बात करें तो इसमें एक नाम आता है ओबेन या डीजी टेलिस। ये क्या करते हैं, ये तो जैसे पीछे काम आए थे एन ए प्लस के प्लस पंप के बारे में पढ़ा था, उसका जो डी फॉस्फोरेशन होता है जब के प्लस अंदर की ओर आता है, ये बात सुना कि तब क्या होता है डी फॉस्फोरेशन होता है, फॉस्फेट रिमूव होता है, उसको ब्लॉक कर देता है। फिर इसके बाद है पैलीटॉक्सिन, ये क्या करता है जो एन ए प्लस के प्लस पंप है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, चैनल में, एक टाइप से इनिबिट करने लग गया। फिर इसके बाद नाम दे रखा है टेट्राडोटॉक्सिन और सेक्सीटॉक्सिन। ये क्या करते हैं, ये दोनों पफर, ये टेट्राडोक्सिन पफर फिश से मिलता है, मतलब पफर फिश फूलती है, ये किसको ब्लॉक कर देते हैं, एन ए प्लस चैनल को। बेट्राकोटॉक्सिन है वो क्या करते हैं, एन ए प्लस चैनल को परमानेंट ओपन कर देते हैं, तो इससे भी नर्व इम्पल्स क्या हो जाएंगे, ब्लॉक। डेंड्राटॉक्सिन है वो क्या करेगा, जो के प्लस चैनल थे अपन ने पढ़े थे अभी, उनको क्या कर देंगे, ब्लॉक। ये बात में, तो ये सब आपको याद होने चाहिए, बी एन ए बनना डी के ऐसे याद रख सकते हो, तो ये आपको याद होनी चाहिए। जितने भी ड्रग्स है वो सी एस आई आर नेट के अंदर बहुत ज़रूरी है। तो ये अपने क्या हो गया, ड्रग्स। इसके बाद अपन आगे बात करेंगे, लेकिन आज का अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब आर एस करियर इंस्टीट्यूट लाइफ साइंस, एंड थैंक यू बच्चों।